तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ट्रंप क्या भगवान हैं जो 70 लाख लोग स्वागत करें, वे अपना हित साधने आ रहे हैं। वो किसलिए एक्साइटेड होना चाहिए? ट्रंप के लिए? ट्रंप क्या भगवान राम है क्या? हमारे लिए अमेरिका की प्रेसिडेंट है, तो इनके लिए 7 मिलियन लोगों की खड़ा करने की क्या जरूरत है? उनको तो पूजा करने के लिए हम लोग यहाँ हिंदुस्तान के लोग नहीं खड़ा बैठेंगे। ट्रंप आएगा, ट्रेड डील वो नहीं करना चाहती, इसलिए कि वो प्रोटेक्शनिज्म बरकरार रखना चाहते हैं। मतलब अमेरिका की बाजार में हमें जाना नहीं देना चाहते। इसी वक्त उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि हिंदुस्तान डेवलप्ड हो गया। देखो, हिंदुस्तान में पर कैपिटा हमारा रोजगार है $2000, जहां अमेरिका में रोजगार होते हैं $60,000 पर कैपिटा हर व्यक्ति को एवरेज में। तो फिर हमें वो कह रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्री बन गया। क्यों? डेवलप्ड कंट्री अगर हमें वो बना दे तो हमें वो कोई सुविधा नहीं देंगे। इसका मतलब साफ, इसके पहले ही वो हिंदुस्तान को डेवलप्ड बना दिया, विकसित देश बना दिया।